नमस्कार फ्रेंड, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, यहां पर हम आज फिर से बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी खासी क्वेश्चन आप लोग बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना हम टाइम वेस्ट किए चलते अपने से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला ओलंपिक खिताब विजेता कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी और बी ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो सो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसका हम आंसर आप लोगों को बता दें। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारत के प्रथम महिला ओलंपिक खिताब विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी। वही अगली क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है चंदौली और बी ऑप्शन है मेरठ। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग बीच हो जाएगा, जो कि होगा ए ऑप्शन, यानी कि चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन जीवन अभयारण्य स्थित है। तो अगली क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है लंदन और बी ऑप्शन है मनीला। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा बी ऑप्शन, यानी कि मनीला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित मनीला में है। तो वही अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका ए ऑप्शन है महीपाल और बी ऑप्शन है गोपाल। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा बी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। फिर अगली क्वेश्चन, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है मुंबई और बी ऑप्शन है कोलकाता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आंसर है, जो कि होगा ए ऑप्शन, मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई। अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, यानी कि उसकी वहाँ पे उपज सबसे ज़्यादा किस चीज़ की होती है? तो फ्रेंड, इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है आम और बी ऑप्शन है केला। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आम, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा उत्पादक आम है। तो फिर अगली क्वेश्चन में हम चलते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ए ऑप्शन, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। फिर अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका ए ऑप्शन है प्लैटिनम और बी ऑप्शन है टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्लैटिनम, इसका ए आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट प्लैटिनम का बना होता है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, शरीर में लाल रक्त कणिका कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो इसका ए ऑप्शन है 60 दिन और बी ऑप्शन है 120 दिन। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा बी ऑप्शन, यानी कि 120 दिन तक जीवित रहती है। इसका देख सकते हैं 120 दिन आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका किसके नाम से जाना जाता है? इसका ए ऑप्शन है एओसिनोफिल्स और बी ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा बी ऑप्शन, इरिथ्रोसाइट्स, जो कि लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? इसका ए ऑप्शन है 5 और बी ऑप्शन है 6। तो
तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा जो कि होगा ए ऑप्शन, यानी कि 5, जो कि पृथ्वी पर कुल महासागर 5 है। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन एग्जाम के समय भी पूछा जाता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग तो पता ही होगा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा डिफरेंस हो चुका है। तो इसका ए ऑप्शन है 7 और बी ऑप्शन है 8। दोस्तों पहले माना जाता था 7 महाद्वीप थे, लेकिन अब बदलकर 8 हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 8 महासागर है पृथ्वी पर कुल। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।